गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फिट एंड फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 13.1। आई होप यू हैव नो डाउट इन दैट एक्सरसाइज। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 13.2। द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें कौन कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है आपको इसमें बताना है, यस और नो लिखना है। ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू द कंप्लीट द जॉब, ये इन्वर्स में होगा, यस। इसके सामने यस लिख देंगे। सेकंड दिया है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म एसपी, यह नो होगा, ये इन्वर्स में नहीं है, इसके सामने नो लिख देंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए कल्टीवेट लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट, ओके, ये भी आपको क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए इसके सामने नो लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ नंबर में, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ये आपका इनवर्स में है, इसलिए इसके सामने यस लिख देंगे। फाइव नंबर दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ये भी आपका इन्वर्स में है, इसके सामने यस लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर टू, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ए 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स एंड द फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवेन एंड इंडिविजुअल विनर्स डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। ओके, यहाँ पर 1 लाख प्राइज दिया हुआ है और सबको इक्वली डिवाइड करना है, तो कौन कितने को कितना कितना प्राइज मिल रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है उसका टेबल हम यहाँ बना रहे हैं आपको। ओके, टेबल जैसे दिया हुआ है, नंबर ऑफ विनर्स प्राइस फॉर ईच विनर, से फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में 1 लाख है, सेकंड दिया है 50,000, फोर्थ नंबर दिया हुआ है डैश डैश, फिर आपका 5 नंबर है डैश, फाइव के बाद 8, 10, 8, 10, ओके, इसके बाद एक और दिया है आपका 19। ओके, तो इसको आप देखते हुए फाइंड करना है, फर्स्ट को प्राइज मिला है 1 लाख, दूसरे को 50,000, थर्ड को 4,000, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो एक्चुअली हम ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि ये फर्स्ट को जो प्राइज मिला हुआ है, सेकंड मिला है, दोनों जो क्या है इन्वर्स में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बाकी जो भी हम प्राइस को फाइंड करना होगा, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, 10th का और 20 का, उसको भी हम क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स में ही फाइंड करेंगे। ओके, इससे फर्स्ट क्वेश्चन में आप मान लेते हैं x1 हो जाएगा ये, x2, x3, x4 और x5 हो गया, हमको मान लीजिए ये फोर्थ वाला फाइंड करना है, तो हो जाएगा मेरा 1 × 4 × x1, हमको x1 फाइंड करना है, इसको हो जाएगा इतना 4, इसी को कट कर दिया जाएगा,
कितना है फर्स्ट ग्राम, ठीक है। उसी जैसे आपको फिर आपको एक्स टू भी निकालना होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस हो जाएगा, वन इंटू लैक मल्ट वन मल्टीप्लाई लैक इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स टू, उसमें से एक्स टू निकाल लेंगे। फिर थर्ड एट टर्म में निकालना होगा, तो वन मल्टीप्लाई वन लैक इक्वल टू एट इंटू एक्स थ्री हो जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें प्राइस का वैल्यू जो है, प्राइस का जो अमाउंट जो है आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर टू जो है आसानी से फिल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है कि रेशमा इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल्स बिटवीन एंड पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल, हेल्प हिम बाय द कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। इसमें भी एक टेबल दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ है और एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक, दो कंसेक्यूटिव स्पोक के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स आपका दिया हुआ है और एंगल्स एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स पश्चिमी दिया कि फोर है नंबर ऑफ स्पोक्स, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सिक्स है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्पोक्स एट है, उसके बाद टेन है, फिर ट्वेल्व है, टेन में आ रहा आपका ट्वेल्व है, इसमें आपका कितने डिग्री एंगल बनेगा ये फाइंड करना है। ओके, तो आपको क्वेश्चन से मालूम चलता है दिस क्वेश्चन विल बी अंडर इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें एक्स वन यहाँ पर सपोज के लिए एक्स वन है, एक्स टू है और यहाँ पर एक्स थ्री है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में इसको सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आप देख लेंगे इनवर्स में क्या होता है, फोर इंटू नाइनटी फोर मल्टीप्लाई नाइनटी स्क्वायर टू एट इंटू एक्स वन। अब हमको एक्स वन फाइंड करना है, एक्स वन स्क्वायर टू फोर इंटू नाइनटी बाई में हो जाएगा एक्स, इसी कट कर देंगे यहाँ पर कितना जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको एक्स टू निकालना होगा, फोर मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 10 इंटू एक्स टू हो जाएगा, तब एक्स टू भी हो जाएगा। फिर अगेन क्या निकालेंगे, फोर मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स थ्री, उसके बाद वो एक्स थ्री भी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर द नंबर ऑफ ए स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ ए कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको फाइंड करने से सभी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट में यस हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है इसी का, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। जब यहाँ पर 15 स्पोक्स होंगे तो उस समय कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू नंबर दिया है इसी का, क्वेश्चन नंबर टू जो निकालना होगा स्पोक्स, उसमें कितना हो जा रहा है आपका 15 लेना है। ठीक है, तो 15 जो स्पोक्स लेना है, समझिए कि नंबर ऑफ स्पोक्स है 12 तक दिया हुआ है, तब तो 15 यहाँ पे स्पोक्स ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ इसी में कि नंबर ऑफ स्पोक्स 15 होगा तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई 90
4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एंगल, यानी कि जो आपको एंगल फाइंड करना है ये फाइंड हो जाएगा। ओके तो क्या आपका एंगल क्या निकल कर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 90 अब आई हो जाएगा 50, ये कट जाएगा 6 बार में इक्वल टू 24 डिग्री। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। सॉरी, जब पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच में कंसेक्यूटिव स्पोक्स बीच में 40 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसमें कितने स्पोक्स होंगे ये फाइंड आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन अपीयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप इसको नंबर ऑफ इसमें स्पोक्स निकालना है क्या होगा। ओके तो सेम है, क्वेश्चन हो जाएगा यही 4 × 90 = 40 डिग्री इंटू नंबर ऑफ स्पोक्स को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ओके तब इसको फाइंड करना है आपको, एक्स स्क्वायर भी निकालना है, 4 × 90 वाई हो जाएगा 40, तो 4 × 10 = 40 हो जाएगा, 10 × 90, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। ओके तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 का थॉट जो थे हम लोग बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। इनकी एक बॉक्स में क्या है, बॉक्स में जो स्वीट्स जो है 24 चिल्ड्रेन को अमंग में डिवाइड किया जा रहा है, इस चिल्ड्रेन को 5 स्वीट्स मिल रहा है, अगर प्रत्येक चिल्ड्रेन को 4 कम कर दिया जाता है, इस चिल्ड्रेन क्या हो रहा है कि 4 उसमें से रिड्यूस कर दिया जा रहा है, तो स्वीट जो बच रहा है वो प्रत्येक को कितना मिलेंगे ये फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल एज फॉलोस, ओके तो क्या देखते हैं, हम टेबल बना लेंगे इसको, वन साइड में चिल्ड्रन हो जाएगा यहां पे और यहां पर हो जाएगा स्वीट्स, इसमें दिया हुआ अगर 24 चिल्ड्रन है तो इसको मिल रहा है 5 स्वीट्स। ओके अगर इसमें से 4 चिल्ड्रन को कम कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 24 चिल्ड्रन है, इसमें से 4 चिल्ड्रन को कम कर दिया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये बन जाएगा कितना 20, तो 20 चिल्ड्रन बन जाएंगे तो उसको प्रत्येक को कितने स्वीट्स से मिलेंगे, तो यहाँ पर एक्स मैंने मान लिया कि प्रत्येक को एक्स स्वीट्स से मिलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में इसको बना देंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में बनाएंगे तो हो जाएगा 24 × 5 = 20 × x।
रेस्ट का निकालेंगे x इक्वल टू 24 इनटू 5 बाय में 20, यानी कि 6 स्वीट्स जो है ईच चिल्ड्रन को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन के अनुसार से हमको टेबल बनाना होगा, और टेबल बनाने के बाद ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग बदल देंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में चिल्ड्रन दिया है, स्वीट दिया है, इसमें 24 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम एक निकालते हैं, तो इसमें से दिया हुआ है कि 4 चिल्ड्रन जो है रिड्यूस किया जा रहा है, इसलिए 24 चिल्ड्रन था, उसमें से 4 को रिड्यूस करेंगे तो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। और नंबर ऑफ स्वीट्स कितने मिलेंगे उसको मैंने x मान लिया है, और इसी को मैंने सॉल्व किया है, तो नंबर ऑफ स्वीट जो है एक स्टूडेंट चिल्ड्रन को 6 मिलेगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन ऑफ 4 आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, यानी कि एक फार्मर के पास इतना फूड है कि वह 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए वो 6 डेज के लिए, मतलब ये फूड है, ये 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए 6 दिन के लिए फूड एनफ है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, तो वही फूड जो है कितने दिन तक चलेगा सर्व करेंगे अगर 10 और एनिमल्स उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सर्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि द इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग फोर में लिख रहे थे, द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल as follows, इसका तो हम टेबल बना देंगे, टेबल में क्या ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं और साइड में डेज। ठीक है, एनिमल्स जितने हैं वो आपका दिया हुआ है 20 एनिमल्स हैं, तो यही फूड जो है कितने चल रहा है 6 डेज के लिए चल रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अनुसार से दिया हुआ कि अगर 10 और एनिमल्स आ जाते हैं तो पहले से कितना एनिमल्स थे 20 थे, और 10 एनिमल्स आ जाएंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30, तो यही फूड जो है कितने दिन तक चलेगा ये आपको पता लगाना है। ओके, क्वेश्चन के अनुसार से क्या है, पहले 20 एनिमल्स हैं तो वो फूड जो है 6 दिन के लिए चल रहा है, और इसमें 10 एनिमल्स और अधिक आ जाते हैं, ठीक है 20 + 10 = 30, तो वही फूड अब कितने दिन चलेगा ये पता लगेगा। ओके, इसी को सॉल्व कर देंगे 20 × 6 = 30 × x, इसी में से x का वैल्यू फाइंड कर देंगे हम लोग 20 × 6/30। कितना दिन चलेगा आपका ये 4 डेज चलेगा। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4-5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है एस्टिमेट कर रहा है 3 पर्सन जो है जसमिंदर हाउस को 4 डेज में क्या करते हैं रिवायर कर सकते हैं। If he use 4% instead of 3, अगर वह 3% के बदले में 4% को यूज़ करते हैं तो वही जसमिंदर हाउस जो है वारी वारी करने में कितने समय लगेगा। तो सेम एज क्वेश्चन आपका बनेगा ये भी, तो आप ऐसे ही कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज फॉलोस, एक साइड में क्या हो जाएगा आपका पर्सन हो जाएगा और दूसरे में क्या होगा डेज हो जाएगा। तो पहले में 3% है तो वह है जसमिंदर हाउस को रिवाइज करने में 4 डेज लगेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 के बदले में 4% कर देंगे,
ये आपको फोर होगा तो कितने डे में चलेगा, तो यहाँ पर डे में इंडेक्स हो जाएगा और इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपका बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इससे आपका क्वेश्चन नंबर फाइव भी कंप्लीट हो गया, सिक्स भी कंप्लीट हो गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है बैच ऑफ बॉटल्स वी आर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि 25 बॉक्स में जो है 12 बॉटल्स को पैक किया जा रहा है। ओके, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। ठीक है, 25 बॉक्सेस को जो है एक 12 बॉटल ऑफ में पैक किया जा रहा है। ओके, तो इसमें पता लगाना है कि अगर ईच बॉक्स में अगर 20 बॉटल्स होता है तो कितने बॉक्स की जरूरत पड़ता है। तो सेम एज आपका उसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज फॉलोज, वन साइड में लिख देंगे आप बॉक्स बनाएंगे और दूसरे साइड लिख देंगे बॉटल बना देंगे। ओके, उसके बाद आपका बॉक्स में 25 हो जाएगा तो उसमें बॉटल में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है इसके लिए टेबल जो होगा मैं टेबल डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके समझ लीजिएगा। आपका वन साइड में क्या हो जाएगा आपका बॉक्सर्स हो जाएगा, इसमें आपका बॉटल्स हो जाएगा। तो बॉक्सेस में क्या दे रहा है आपका 25 बॉक्सेस होगा मैं आपका कितने बॉटल्स को किया जा रहा है 12 ईच बॉक्स, 12 जो इस बॉक्स में है। अगर 20 जो है अगर इस बॉटल्स पैक किया जा रहा है बॉक्स में तो उसमें कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, तो बॉक्स में आपका एक सम मिलेगा। और सॉल्व करने का वही प्रोसेस है क्योंकि यह इनवर्स प्रोपोर्शन है, जैसे से इनवर्स प्रोपोर्शन तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे 25 में 12 इज इक्वल टू x इनटू 20। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25 इंटू 12 बाई हो जाएगा 20, 5 × 20, 5 × 25, 4 × 3 = 15, आपको क्या हो जाएगा बॉक्सेस की जरूरत रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का बन गया, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 60 डेज। एक फैक्ट्री जो है 42 मशीन को यूज़ कर रहा है किसी आर्टिकल को प्रिंट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए 60 डेज में, तो क्या हो जाएगा इसको डाटा जो लिखेंगे तो गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एज टेबल्स। उसके बाद एक साइड में क्या कर देंगे हम आपको लिख देंगे मशीन लिख देंगे यहाँ पे और दूसरे साइड में डे हो जाएगा। ओके, तो मशीन में क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा और डेज में आपका 63 हो जाएगा। फिर पूछे हाउ मेनी मशीन कितने होंगे, तो मशीन में फिर आपके यहाँ एक्स हो जाएगा और सेम नंबर जो आर्टिकल्स इन द 54 डेज में आपका 54 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 13.2 का ऑल क्वेश्चन जो दिया है 9, 10, 11 सेम एज क्वेश्चन है, इसी प्रोसेस आपको बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास वर्क में ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 1 से लेकर 11 तक आपको क्लास वर्क में ऑल क्वेश्चन को बनाना है। आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 भी इसी तरह से है, कोई डिफरेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका क्लास ओवर हुआ, डेट्स ऑल, हैव नाइस डे।